now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हमें इस टाइम जून के मंथ में रोज के प्लांट को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम इस टाइम गुलाब के प्लांट को परचेज करें कि ना करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जून, मई और जून में हमें रोज के प्लांट को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फ्रेंड्स, इस टाइम मई और जून के मंथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इस टाइम अगर आप रोज़ के प्लांट को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर आप रोज़ के प्लांट को परचेज कर चुके हैं तो फिर आप उसे सेमी सेड में रखिए और उसकी अच्छे से केयर करिए, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी मरे नहीं और अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो आप मई और जून के मंथ में रोज प्लांट को बिल्कुल भी परचेज मत करिए, और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी परचेज मत करिएगा। अगर ऑनलाइन आप रोज के प्लांट को मंगाते हैं तो वो ऑलरेडी इतने शॉक में रहता है, फिर अगर आप उसको घर पे लाने के बाद रीपॉटिंग करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन परचेज मत करिए। और अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो किसी पॉट में लगा हुआ प्लांट हो, और हेल्दी प्लांट अगर नर्सरी में है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप उस प्लांट को घर में ला के और उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी रिपॉटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। रिपॉटिंग करने का सबसे अच्छा टाइम मॉनसून होता है, या फिर सितंबर या अक्टूबर में आप अपने प्लांट की रिपॉटिंग करिएगा। लेकिन इस समय समर में बिल्कुल भी आप रिपॉटिंग मत करिएगा। अगर पॉट में लगा हुआ प्लांट आप नर्सरी से परचेज करेंगे और फिर उसकी रिपॉटिंग सितंबर अक्टूबर या फिर मानसून में करेंगे तो वो प्लांट बहुत ही अच्छे से आपका ग्रो करने लगेगा। नेक्स्ट, आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपने प्लांट को परचेज कर लिया है तो आप उसे ऐसी जगह रखिए जहां पर सिर्फ उसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले, क्योंकि इस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई रहता है कि आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ आपके प्लांट को 3 से 4 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिले तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा, या फिर आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए तो भी आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। क्योंकि नर्सरी वाले जो होते हैं वो भी इसे हम अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, तभी उनके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं और उसमें इस टाइम ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट, आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपने अपने प्लांट को परचेज भी कर लिया है तो आप इस टाइम उसे कंपोस्ट मत दीजिए, क्योंकि इस टाइम जो रोज प्लांट है उसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि समर में अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट दे दिया तो भी आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। इसलिए आप उसको कंपोस्ट देने से अच्छा है कि आप अपने प्लांट पे अच्छे से सावरिंग करिए, मॉर्निंग में भी सावरिंग करिए और इवनिंग में भी बहुत अच्छे से सावरिंग कर दीजिए, तब आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप उसे फर्टिलाइजर नहीं देंगे तब भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर आपको अपने प्लांट्स पे फर्टिलाइजर देना है तो आप सितंबर जब मंथ स्टार्ट हो जाएगा तब आप अपने प्लांट्स पर फर्टिलाइजर देना स्टार्ट करिएगा। तब आप अपने प्लांट को जितनी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देंगे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपको किसी फर्टिलाइजर का एक्सपेरिमेंट भी अपने प्लांट पर करना है तो उस टाइम जब हम अपने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो भी हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव कर लेगा। सावरिंग करने का टाइम आप हमेशा एक ही रखिए, या अपने प्लांट को पानी देने का जो टाइम है वो एक ही रखिए। मॉर्निंग में आप इसे 7 या 8 बजे से पहले से पानी दे दीजिए और इवनिंग में भी आप उसे 6 बजे के बाद पानी दीजिए। टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तब आप अपने प्लांट्स को पानी देंगे तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो ये कुछ टिप्स थे अगर आप नर्सरी से प्लांट को परचेज करना चाहते हैं, या परचेज करके अगर घर पे ला दिए तो आप उसकी केयर किस तरह से करें। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।